नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिर जाएगी? और शिंदे सरकार गिराने का अब प्लान उद्धव ठाकरे ने बना लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में काफी समय से सियासी उठापटक देखने को मिला था, लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद उद्धव ठाकरे ने जितना भी सब्र का बांध था वो तोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के परिवार से मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के परिवार से मुलाकात करने के बाद ये कहा है, पुष्पा स्टाइल में ये कहा है कि शिवसेना कभी झुकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना को जितना दबाना है, जितना तोड़ना है या जितना कमजोर करना है वो कर ले, अभी वक्त है बीजेपी का। लेकिन ये बात वो जरूर ध्यान रखें कि जब उनका वक्त आएगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुली चुनौती तो दी, लेकिन संजय राउत ने भी क्या कुछ कहा। संजय राउत ने भी क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा है कि भाई वो ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, और जैसे जैसे उनकी पूछताछ उनसे ईडी से होगी वो जरूर करेंगे। इस बीच ट्वीट आपके इस टीवी स्क्रीन पर जरूर देखने को मिला। और देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो भी लगातार उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि एनसीबी ईडी केवल विपक्ष के लिए ही क्यों नहीं सत्ता पक्ष से पूछताछ की जाती, क्यों नहीं स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी का जो सच सामने आया है उसमें ईडी पूछताछ करे। दरअसल हम यहाँ पर यह बताने की कोशिश करते कैसे शिंदे सरकार गिरेगी। हम ये देख रहे हैं कि लगातार अब बागी विधायकों का समर्थन मिल रहा है उद्धव ठाकरे को। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है उनमें से ज्यादातर विधायक उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि राउत की गिरफ्तारी गलत है, राउत की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो सच बोल रहे थे। तो क्या वाकई एकनाथ शिंदे से अलग हो जाएंगे ये विधायक? और एकनाथ शिंदे से ये विधायक अगर अलग होते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बड़े समय से कहा जा रहा है कि लगातार जो भविष्यवाणी हो रही थी एकनाथ शिंदे सरकार की गिरने को लेकर, चाहे वो शरद पवार कर रहे थे, ये संजय राउत कर रहे थे, ये उद्धव ठाकरे कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस भविष्यवाणी का असर दिखता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला था, शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए ये कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खड़े। महाराष्ट्र में शिवसेना सिमट रही है, महाराष्ट्र में शिवसेना का रोल खत्म हो रहा है, लेकिन शिवसेना के साथ शिंदे के बागी विधायकों का साथ आना, क्या वाकई एकनाथ शिंदे ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं? और क्या वाकई अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो जो प्लान बना रहा है शिवसेना, जिस प्लान को उद्धव ठाकरे बना रहे, वो कामयाब हो जाएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।